वेलकम बैक. आप देख रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन ओनली ऑन ई आवाज. पाकिस्तान इंडिया के पोस्ट मैच रिव्यूज हम आपके सामने लेकर आए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है. पहला मैच पाकिस्तान इंडिया ने खेला और जो भी खेला आपके सामने था, इस बात पे हम तबसरे के लिए डॉक्टर अदनान और वसी साहब हमारे स्टूडियोज में हैं, इनसे बात करते हैं. इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करते हैं. इंडिया की बैटिंग पे मैं आता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताता चलूँ, मैं कुछ शेयर करता चलूँ व्यूअर्स के साथ, क्योंकि आप मौजूद हैं मैच पॉइंट पर. तो ये कैसे हो सकता है कि आपको मज़े मज़े की खबरें और मज़े मज़े के चुन के स्टैट्स जो हैं, वो आखिरी जो स्टैट है ना वो थोड़ा सा ज़रा फीमेल स्टैट है, वो मैं डॉक्टर दिलनिशी से दिलवाऊंगा. बड़ा मज़ेदार स्टैट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा, लेकिन फिर भी आपके लिए इंटरेस्ट का बायस होगा. लेकिन सबसे आखिर जब ट्रांसमिशन क्लोज होगी आपको तब बताएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे क्योंकि वसीर मैं बात कर रहे थे इस वक्त पार्टनरशिप्स की. जो पहली पार्टनरशिप थी वही किलर पार्टनरशिप साबित हुई और उसने फाउंडेशन लेड की भारत के लिए, और वो पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित ना हुई लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छी साबित हुई. वो पार्टनरशिप किसकी थी? धवन और रोहित शर्मा की. लेकिन आपको ये बताता चलूं कि दोनों ने यह कारनामा पहली दफ़ा सर अंजाम नहीं दिया. ये चैंपियंस ट्रॉफी की दूसरी बेहतरीन जो पार्टनरशिप में पहले भी हिस्सेदार जोड़ी बन चुकी है. अगर आज का मैं इनका पार्टनरशिप निकाल दूं तो ओवरऑल जो इस जोड़ी ने रन्स जोड़े हैं, सिर्फ चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वहां पर 435 के साथ ये दूसरे नंबर पर हैं. पहले नंबर पर आप जानना चाहेंगे कि कौन है वो, बदकिस्मती से वो टीम आज यहां पर नहीं है. वेस्ट इंडीज़ की टीम से चंद्रपाल और क्रिस गेल 635 के वाजिया मार्जिन के साथ नंबर वन जोड़ी हैं. और तीसरे पे अगर आप अंडर रेट कर रहे हैं तो बिल्कुल अंडर रेट मत कीजिए. पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ और शुएब मलिक की जोड़ी जो है वो तीसरे पे है, और फिर चौथे पे जाके राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर आते हैं. तो वसी, अब ये जो पार्टनरशिप्स हुई और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैट्स बताते हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में आपने ये नोट किया कि जब धवन खेल रहे थे तो वहाब रियाज के, मैं भी वही बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ब्रेक में, कि उसकी उनकी फास्ट बॉलिंग को, अब वहाब का दोबारा वही प्रॉब्लम है जो वसीम ने कहा, वसीम अकरम ने, कि वो दिमाग से बॉल नहीं कराते. पेस पे, पेस कैन नॉट डू अलोन. शुएब अख्तर से अगर आप कंपेयर करें ब्रेट ली से, तो उन वो दिमाग से बॉलिंग करते थे और जो स्लोअर वन फेंकते थे डिसगाइज, वो इतना अच्छा और फेंकते थे और बरवक्त फेंकते थे, उतना वहाब जो है वो नहीं कर रहे. हमने ये नोट किया कि स्क्वेयर के ऊपर से, आपने देखा होगा कि जो स्क्वेयर के ऊपर से और कट शॉट्स खेल रहे हैं, वो इतनी पेस के बावजूद वो कितना टाइम लेके उसको प्लेस करके उसकी स्पीड को बॉल को यूज़ कर रहे हैं और ब्रेन को यूज़ किया धवन ने. देखिए वहाब की बॉलिंग में, आपसे कहा वसीम अकरम ने भी कहा और जो हम भी देख रहे हैं नज़र आ रही है, कि वेरिएशन नहीं है. और वनडे क्रिकेट में वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. उसकी जो स्लोअर वन है, आज उसने 3 या 4 स्लोअर वन की और चारों पे उसको चौके पड़े. इसका मतलब है कि बैट्समैन उसकी स्लो को पिक कर रहे हैं. स्लो वही अच्छी होती है जो बैट्समैन पिक ना कर सके, तो ही सो ऑब्वियस कि उसकी जो स्लोअर वन है उसको बैट्समैन पिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको रन ला रहे हैं. अच्छा, जितना फास्ट बॉलर होता है उसको, जितनी कहते हैं तेज़ी से बॉल होती है उतनी तेज़ी से वापस भी जाती है, तो जितना फास्ट बॉलर होता है, जितनी स्पीड होती है आपकी, अगर आपकी लाइन और लेंथ अच्छी नहीं है, आपको शोएब अख्तर का भी याद होगा 2003 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच, जब शोएब अख्तर को थर्ड मैन पे सचिन ने और सहवाग ने छक्के मारे थे, 1999 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान. यस यस, सुपर सिक्स, जिसमें वो वसीम अकरम ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वी हैव लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ लास्ट लूजर ने उसको मारा था. तो जो फास्ट बॉलर होता है, जो बहुत ज्यादा पेस बॉलर है, वहाब है जो कि 140 प्लस गेंद करता है, उसकी जो पेस, अगर उसकी लाइन और लेंथ सही नहीं होगी तो वो रन खाएगा. और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे. उसने जो गेंदें की लाइन पे नहीं थी, गुड लेंथ पे नहीं थी, बैट्समैन को रूम मिला और उसने सिर्फ बल्ले रखे और आपके सामने रिजल्ट है. और जो दोनों की पार्टनरशिप हुई धवन की और रोहित शर्मा की, ये भी बताता चलूंगा आपको वसी, कि ये चैंपियनशिप के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम की, इससे आप अंदाजा करें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का नाजरीन, कि ये पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी ओपनिंग शराकत भी आज हुई है. इससे पहले जो बेस्ट थी, अब जब 74 पे वो पहुंचे तो ये रिकॉर्ड जो है वो टूट गया. इससे पहले 73 रन बना छोड़े थे थरंगा ने और जयसूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ, जो अब रिटायर होके भी जा चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा कभी आज तक मुमकिन नहीं हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग बल्लेबाज जो है पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग के सामने इतनी बड़ी पार्टनरशिप की जोड़ी जो है वो खड़ा कर रहा. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो तो ब्लंडर्स हुए, लेकिन देखिए फिर मैं वही कह रहा हूँ कि 300 रन तो विकेट पर बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी. ठीक है, फील्डिंग खराब हुई. अब हम थोड़ी बात करते हैं बैटिंग की. ठीक है, अब 300 रन बन गए, ठीक है, मैच हाफ हो गया, अब हाफ मैच अभी बाकी है.
पहली बात लड़कों की बॉडी लैंग्वेज जो इवन फील्डिंग में भी देखी और हमने बाद में भी देखी कि उनमें वो इंटेंट नहीं थी, डिफेंसिव थी, बिल्कुल डिफेंसिव थी, वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी, लड़के लेथार्जिक थे, लड़के वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था, वो फुर्ती नजर नहीं आ रही थी फील्ड में भी, आप डरे हुए थे। अच्छा, क्राउड भी इंडिया का ज्यादा था, मेरे ख्याल में 75% इंडियन क्राउड था, पाकिस्तानी 25%। जी क्राउड से याद आया, स्टैट्स आपको कैसे ना दें, अगर मुझे देखें, अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर स्टैट्स देना पड़ेगा। क्रिकेट की तारीख में बर्मिंगम एज बेस्टन के ऊपर आज जो ऑफिशियल अटेंडेंस रिकॉर्ड की गई है 24,136, ये क्रिकेट की हिस्ट्री में, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं लंदन से तो ये मैनचेस्टर एज बेस्टन, तो ये सबसे बड़ा जो उनका रिकॉर्ड था आज तक जो भी उनकी हिस्ट्री में हुआ है, ये पिस्ता रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। द मैक्सिमम अटेंडेंस, सोल्ड आउट अटेंडेंस, और जो साथ की जो छतें हैं और जो जगह हैं, दरख्त वगैरह, वो भी ऑक्यूपाइड होने के बावजूद जो है ये मैक्सिमम अटेंडेंस है। दिस इज द मोस्ट सीन एट द मैच के, तो टिकट ऑनलाइन मेरे दोस्त ने किया था एंड ही वाज इन द स्टेडियम टुडे, और 400 पाउंड्स का 8 महीने पहले इतना आवर जो है सारे टिकट, एग्जैक्टली, क्योंकि इस मैच के टिकट्स जो है वो फाइनल के मैच के टिकट से पहले आते पहले बिक चुके थे, लेकिन उसके बावजूद इंटरेस्टिंग चीज मैंने ये नोट की कि इस मैच के कुछ टिकट, मुझे नहीं मालूम कि वो कहां से आए, वो ब्लैक थे कि कहां अवेलेबल थे, क्योंकि सीट तो मौजूद नहीं थी, लेकिन इन द वी ओवर्स अनाउंस किया गया कि 425 पाउंड में एक टिकट मिल सकता है इफ यू वांट। ऑफ कोर्स। अच्छा, दरख्तों पे ओवल, ओवल में हेडिंगले लीड्स में, और जो सामने आज उन्होंने दिखाया उन्होंने, और इसके अलावा जो आपकी जो अगर आप 99 का वर्ल्ड कप में, बिल्कुल वसी ठीक कह रही है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में एक सामने कुछ घर है वहाँ हेडिंगले लीड्स के सामने, लॉर्ड्स के बिल्कुल, लॉर्ड्स के बिल्कुल सामने दो बिल्डिंग्स, और वो प्रॉपर अपनी गैलरी को किराए पे देते हैं। लेकिन इतनी बारिश में दरख्त पे कौन लटक सकता है, दरख्त पे वो लटकने वाले लटक जाते, बारिश पूरे वक्त नहीं हो रही। आपको आपको जिस तरह बताया था ना लाहौर में चने वाले का, तो आपने कहा था चने वाला कैसे याद है, तो इस तरह की मैच में 3-4 दफा बारिश हुई है, रुकी है, हुई है, रुकी है, तो आई वाज लाइक थिंकिंग के, लेकिन शोक का कोई मोल नहीं है जी। हमने बारिश में इंडियन लेजेंड्स जो है सचिन तेंदुलकर को वहां पर देखा, वीरेंद्र सहवाग के साथ, अप्रिला के साथ, और वो वहां पर आपस में गपशप करते नजर आए एक निजी इदारे के लिए, उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे थे, गुनगुनाते हुए नजर आए, उन्होंने पूछा सचिन से कि सचिन ये वीरू और सचिन क्या बातें करते थे जब बाउंड्री से अंदर आते थे ग्राउंड तक। अच्छा, तो सचिन ने जवाब दिया कि मैं तो चुप रहता था, ये वीरू ही बोलता रहता था, और फिर जब आखिर तक बोलता रहता था, जब बॉलिंग आ जाती थी तो मैं कहता था थोड़ा सा खामोश हो जा, और उसके बाद वो कहते थे कि जब वो रन्स लेके आते थे और बीच में रिलैक्स मोमेंट्स आते थे तो वो गाने गाते थे, तो फिर कहते थे थोड़ा सा और खेलने दे, तो सचिन बता रहे थे कि वो इतना नहीं बोलते थे। जब आपकी मुलाकात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ही वाज नॉट एट ऑल टॉकेटिव, वो एक माहौल है, अब वीरू उस निक में नहीं थे, जब हमसे उनकी मुलाकात हुई तो वो अपनी पीक से हट चुके थे, और वो एक माहौल होता है, एक ड्रेसिंग रूम माहौल, एक ड्रेसिंग रूम सिनेरियो अलोंग विद देयर फ्रेंड्स। आपको बताने चले नाजरीन, वीरू जी से मुलाकात आसान काम नहीं है, क्योंकि वो हर एक बंदे से नहीं मिलते वो हर एक बंदे से नहीं मिलते। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग से याद आया, थोड़ा सा मैं अच्छे टॉपिक से ड्रैग करके अवे हो जाऊं, लेकिन जरूरी हो गया अभी डिस्कस करना, छोटी सी बात। वैसे आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम कि अब इंडियन जो कोचिंग का मामला है वो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अब अंदर खाते खबरें आ रही हैं कि बाजार सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन विराट कोहली और अनिल कुंबले एक पेज के ऊपर नहीं है, और वीरेंद्र सहवाग जो है, जो मशहूर जमाना जब ट्रोल करना शुरू हो गए हैं वेबसाइट्स पर, सोशल वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो, और साथ में अब टॉम मोदी ने भी अप्लाई कर दिया है, कुछ और लोग भी मंजर मैदान में आ गए हैं, तो सुनने में ये आया है कि इंडियन कैंप जो है दे वॉन्ट द ग्रुप ऑफ वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर एंड सौरभ गंगुली, इस कमेटी का कोई एक खिलाड़ी जो है वो चाहते हैं, वो रवि शर्मा कुंबले उस ग्रुप में नहीं है, इसका मतलब कुंबले उस ग्रुप में नहीं आते, और कहा जाता है कि कुंबले को सचिन तेंदुलकर और जो इंडियन लेजेंड्स हैं उनकी बैक भी नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण, रवि शास्त्री, रवि शास्त्री तो पहले ही बड़े नाराज हैं क्योंकि पहले ही वो वोटिंग में हार चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये अब ये डिसीजन चैंपियंस ट्रॉफी अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया जीत जाता है, क्योंकि राइट नाउ इंडिया इज वन ऑफ द फेवरेट आप कह सकते हैं विद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दो तीन टीमें हैं जो कि फेवरेट हैं इसके लिए। देखें पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया पाकिस्तान में हमेशा से चलती है, ठीक है ना, तो इंडिया में इस वक्त हो रही है कि विराट कोहली और कुंबले के दरमियान जो है वो थोड़ी कटपट चल रही है, जिसका मीडिया पे भी आया, ऑल दो कि विराट कोहली ने उसको डिनाई किया है, लेकिन जहाँ आग होती है वहीं धुआं धुआं निकलता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और जहाँ तक बात करूँगा मैं कोहली की अपना नुमान, तो सचिन तेंदुलकर की जैसे आपने बात की, तो सचिन तेंदुलकर वॉज अ लेजेंडरी प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट,
लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा और ये ही इज नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, लेकिन मैं इस बात से यहाँ पर थोड़ा डिसएग्री करूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये तोड़ पाएगा। अच्छा। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं खेली जाती, आपका एटीट्यूड सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे प्लेयर हैं, क्या उमर अकमल में टैलेंट कम है? क्या इमरान नज़ीर में टैलेंट कम था? हमारे जो प्लेयर एटीट्यूड नहीं था, लेकिन उमर अकमल बिजार एटीट्यूड और एटीट्यूड नहीं है ना, देखें एटीट्यूड नहीं है, उनका वेट देखें कहाँ पहुँच गया है, 91 kg। बिल्कुल जी, बस ठीक कह रहे हैं, उमर अकबर को जो है वो सचिन तेंदुलकर की जहां इन्होंने बात की, बिल्कुल आपने उसका पूरा कैरियर देखें, 24 साल के कैरियर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कभी वो किसी अपना मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, कभी किसी प्लेयर से लड़ाई की, उसको कैप्टनशिप दी गई उससे नहीं, उसने खुद छोड़ दी। नए नए जूनियर लड़के उसका धोनी के कैप्टनशिप में सचिन तेंदुलकर ने 10 साल क्रिकेट ऑलमोस्ट खेली है, जबकि धोनी का डेब्यू 2004। आप इतना दूर सचिन पे क्यों जाते हैं? आप यूनुस खान और मिसबाह उल हक को देखें, यूनुस खान को देखें, यूनुस खान का एटीट्यूड देख लें, आज यूनुस खान ने 10,000 रन क्यों किए, उसका एटीट्यूड है। इतना फिट बंदा है यूनुस खान, सबसे टीम में फिटेस्ट लड़का इस वक्त भी यूनुस खान था एट द एज ऑफ 41। मैं आपको छोटी सी किस्सा सुना दूं कि यूनुस भाई खेलते थे मलीर जिमखाना से, हमारा एक दफा मैच पड़ा मलीर जिमखाना से, मैं आपको बात बता रहा हूँ 2001 की, वो टेस्ट खेलने के बहुत करीब थे, खेले नहीं थे, लेकिन उनका नाम न्यूज़ में आना शुरू, हां दैट वाज लिटिल अर्लियर 97 98 साउथ अफ्रीका के टूर से पहले, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हमारा मैच था एयरपोर्ट जिमखाना पे, ग्राउंड है एयरपोर्ट के पास, तो वहां पे हमारा मैच था मलीर जिमखाना से, तो यूनुस भाई मलीर जिमखाना के लिए खेलते थे। तो नॉर्मली जो बड़ा प्लेयर होता है वो बिल्कुल मैच से 2-3 मिनट पहले आता है के अपना मैच होने से 2-3 मिनट पहले आता है, लेकिन हमने यूनुस भाई को देखा वो क्लब के मैच में भी हाफ एन आवर पहले आके बैठे थे और लड़कों से पहले। तो ये उस बंदे का एटीट्यूड था, उस पर कि मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो सिर्फ आप टैलेंट से बड़े प्लेयर नहीं बन जाते, कोहली में नो डाउट बेतहाशा टैलेंट है, रन भी कर रहा है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड भी बना रहा है, लेकिन क्या वो इतने अरसे तक अपने आप को उस लेवल पर रख पाएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप देखें कोच से उसकी खटपट शुरू हो गई है और कॉन्ट्रोवर्सीज की चलती रहती हैं, ठीक है ना। तेंदुलकर को देखें आप, कभी किसी कॉन्ट्रोवर्सी में मेरे हाल में लेकिन हमें ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि एक टॉपिक शुरू हुआ है तो मैं इसको छोटा सा खत्म कर दूं। यहाँ पर उमर अकमल की बात हुई थी, तो उमर अकमल वसी आपने सुना होगा कि उमर अकमल पे तनकीद की गई और पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा कि ये चावल नहीं छोड़ते, चिकन कढ़ाइयां नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते। आपको पता है, आपने पता है कि उमर अकमल ने क्या जवाब दिया? उमर अकमल ने कहा कि अगर मैंने कढ़ाइयां छोड़ी हैं या चावल, तो इंजमामुल हक क्या उनका वेट मुझसे कम था या उन्होंने चावल और कढ़ाइयां छोड़ दी थी? तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे कहने शुरू हो गया कि सोशल मीडिया पे कहा गया कि वो एक वो इमाम को इतना आपसे क्यों मिला, वो एक और एरा बना चुका, वो एरा अब एक मॉडर्न क्रिकेट में आप दाखिल हो गए हैं, मॉडर्न क्रिकेट में कंपेयर करना मुश्किल है। ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बताएंगे इंडियन ओपनर्स की बात हो रही है, धवन और रोहित शर्मा की बात हुई, 5 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी में 100+ ओपनिंग स्टैंड इन दोनों ने किया, 13 मरतबा ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में हो चुका है। सबसे ज्यादा जो तारीख में हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का वो रोहित शर्मा और धवन के दरमियान 5 मरतबा हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की जोड़ी है। आप देख रहे हैं मैराथन ट्रांसमिशन ओनली ऑन ई आवाज लाइव फ्रॉम टोरंटो, पाक भारत टाकरा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेजबान डॉक्टर अदनान, मेरे साथ मौजूद डॉक्टर दिलनेशी। कीप वॉचिंग ई आवाज, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी right back.